मोहतरम सामीन, मैं बार बार कह चुका हूँ कि कुरान हकीम अपनी बातें मुहावरों और किनायों में आपको समझाना चाहता है, इसलिए कि ये एक बहुत लाजवाब और आला इसको सिनफ कहें कुरान के, कि बाज़ माशरे हमारे माशरे की बुराइयों को खुले अल्फाज में हम पर तनकीद कुरान नहीं करता, इशारों में समझाता है कि आप इस तरह दुरुस्त रहो। सो मैं उसके मिसाल पहले भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब कुरान फहमी की खातिर सिर्फ ये मिसाल, ये बात, ये आयत करीमा कुरान फहमी के लिए आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, जो सूरत अल आराफ की आयत नंबर 63 है। उसमें रब ताला फरमाता है कि वसालम अनिल करियत लती कानत हाजरत अलबहर इज यादून फिस्सब्त इज तातिहिम हितानहुम यौम सब्तहिम शुर्रा व यौम ला यस्बितून ला तातिहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ्सकून। सदकल्लाह मौलाना अज़ीम। साथियों, ये आयत करीमा अल्लाह ताला यहूदियों के बद किरदारी पर एक बात ला रहा है और मुहावरे की माना, किनाए की माना से इसका सही मकसद आप समझ सकेंगे, वरना मुतरजमीन की बड़ी अक्सरियत ने, जितने मैंने अभी तक तर्जमे पढ़े हैं या मेरे पास मौजूद हैं, बड़े नामों वाले, बहुत बड़े नामों वाले, उन्होंने ये तर्जमा गलत किया है। इस आयत करीमा में है कि वसालुम अनल करियत लती कानत हाजरत अलबर, और पूछो इनसे, सवाल करो इनसे उस आबादी, उस बस्ती के बारे में जो कानत हाजरत अलबर, जो समुंदर के किनारे थी। बहर बहरे कुलजम को भी कहा गया है, एला का मकाम पर मदियन के लिए भी कहा गया है, जो भी हो दरिया के किनारे उस बस्ती के लोगों की खबर पूछो इन लोगों से, वो क्या खबर है। इज यादून फिस्सब्त, मैं सिर्फ कुरान फहमी के हवाले से ये आयत आपके खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ कि आप कुरान के मानी को कुरान के रहनुमाई में समझें। हाँ, तो बात यह है कि अल्लाह उन दरिया के किनारे के लोगों की बात कर रहा है। इज यादून फिस्सब्त, वो ज़्यादती करते थे सब्त के दिन। अब सब्त अरबी में या दूसरी ज़ुबान में, इमरानी में हो, जो सुरियानी में हो, जो भी हो, आराम को कहा जाता है। जैसे छुट्टी का दिन, हॉलीडे यहूदियों का हफ्ते का दिन है, उस दिन को यादून ज़्यादती करते थे ये लोग। अब कुरान ने ज़्यादती की तफसील दी है, वो दी है कि इज़ तातिहिम हीतानहुम यौम सब्तहिम शुर्रा, ज़्यादती ये करते थे। अब इनकी मशहूर माना मैं कर रहा हूँ, असल माना मैं बाद में बताऊँगा, वो ये है इज़ तातिहिम हीतानहुम यौम सब्तहिम शुर्रा, जब आती थी इनके पास मछलियाँ इनकी, हीतान जमा हूत का, हूत अरबी में मछली को कहा जाता है, ये दुरुस्त तर्जमा है, लेकिन यहाँ तर्जमा वो असली नहीं है, यहाँ किनाए का है। असल बात जो किनाए की है वो मैं पेश करूँगा। यौम सब्तहिम शुर्रा, हफ्ते के दिन यानी बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ आती थी। वह यौम ला यस्बितून ला तातिहिम, जब वो हफ्ते का दिन, छुट्टी का दिन, आराम का दिन नहीं होता था, ला यस्बित ला तातिहिम, फिर वो मछलियाँ नहीं आती थी, नहीं आती थी। कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ्सकून, इस तरह हम आजमाते थे इनको, बसबब इसके जो थे वो बदमाशियाँ करते, यफ्सकून फिसक करते, बुराई करते, बदमाशी करते, बदकारी करते, ये हम उनको आजमाइश करते थे। अब मुझे जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि यौम ला यस्बितून, जब जिस दिन ला यस्बितून, छुट्टी का दिन नहीं होता था, रेस्ट का दिन नहीं होता था, त
तो लाता थे, वो मछलियाँ नहीं आती थी। अब सब लोगों ने उलमाए कुरान कहें उनको, सब लोगों ने ये तर्जमा क्या है कि हीतान हम की माना है मछलियाँ, हूत का जमा है, और वो अपनी माना को साबित करने के लिए ये कहा है कि मछलियों को पता लग गया था कि हफ्ते का दिन कौन सा है, और वो छुट्टी के दिन की वजह से उस दिन ज़्यादा आती थी, और अल्लाह ने बंदिश डाली थी कि मछली का शिकार न करो, फिर वो उस दिन छुट्टी के दिन आती थी ताकि हमें शिकार नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, हम ऊपर तीर कर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो इन्होंने ऐसे किया कि अल्लाह का वो हुक्म नहीं माना, और उस दिन को भी यौम सब्त को भी छुट्टी के दिन भी ये शिकार करते थे। कुरान ये इनके कहने के मुताबिक, इनके तर्जमे के मुताबिक कुरान इनकी शिकायत ये कर रहा है कि लौमा यौम ला यसबितून, लाता थी मछली नहीं आती थी, कजाल कर नबलू हम बेमा कर, इस तरह हम इनको आजमाते थे कि हमारा कहा मानते हैं या नहीं, यानी हफ्ते को शिकार करने पर हमने बंदिश डाली थी, फिर ये उस दिन मछली बहुत आती थी तो फिर ये हमारा का तोड़ करके, हुक्म तोड़ करके मछली का शिकार करने लगे थे। ये माना मशहूर की गई, ये माना नहीं है, ये माना गलत है। हीतान हूत, अल्लाह ने हूत लड़कियों को कहा है, माना असल तर्जमा है बराबर, हूत के माना मछली, लेकिन यहाँ अल्लाह ने कहा है कि वो लड़कियाँ हॉलीडे के दिन पिकनिक मनाने के लिए समंदर के किनारे आती थी। आज भी कराची में समंदर के किनारे लड़के लड़के आते हैं, हॉक्स बे पे जाते हैं, इधर दूसरी जगह क्लिफ्टन पे भी आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ने लड़कियों को जाहिर करना नहीं चाहा, लड़कियों की पर्दापोशी करनी चाहिए है इस लफ्ज़ से। अल्लाह ने जानबूझ करके इनकी इज्जत रखी है, इनकी लाज रखी है कि ये औरतें समंदर के किनारे सैर व तफरी के लिए आती थी। ये मछलियों के नाम से उनका ज़िक्र किया है कुरान ने, और वैसे मछलियों को क्या पता कि आज हफ्ते का दिन है। ये जितने तर्जमे करने वाले हैं, अल्लाह सबको माफ़ करे, सबको बख्शे, हम सबके लिए दुआगु हैं, लेकिन जो ज़िंदा हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप कुरान फहमी के लिए, कुरान ने जो कहा है कि इन्नहु लकुरानुन करीम फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, ये कुरान इतना बुज़ुर्ग बरतर किताब है जो फ़ी किताब मकनून, ये इसके लिखत इसके ताबीरात मकनून किनायों में है। मकनून इसम मफ़ूल का सिगा है, इसका वाहिद किनाया है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसके मफहूम को, इसके माना को, इसके तर्जमे को, इसकी इंतहा को वो लोग पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं जो जहन साफ रखते हों। जहन साफ रखना, इल्लल मुतहरून। अब बात आई हीतान की। अगर कोई कहे कि फलां की लड़की भी जाती है, फलां की लड़की भी जाती है, वो हक्सबे पर इतनी इतनी कॉलेज की लड़कियां गईं, तो ये ज़रा ज़रा तहारत से हटकर है, जहन की सफाई से हटकर है, जहन से की पाकाई से हटकर है। इसलिए कुरान कहता है किनायों में बात करो, किसी की लाज रखो, किसी की इज्जत न मिटाओ। तो कुरान ने ख़ुद पहले ये काम कहा कि बाबा मछलियाँ ज़्यादा आती थी, छुट्टी के दिन मछलियाँ ज़्यादा आती थी। तो मछली और औरत, मछली और लड़की, इनमें मुनासबत है, इनमें एक तरह की मानवी कुर्बत है। मछली भी पकड़ने में ज़रा बिदक जाती है, लड़की भी पकड़ने में बिदक जाती है, इसलिए अल्लाह ने लड़कियों को हीतान कहा है। इस हीतान से जब आप माना लेंगे किनाए वाली,
तो वो खुदा की शिकायत दुरुस्त हो जाएगी कि ये यहूदी, ये अहल किताब इतने बदमाश थे जो हमने कहा था कि लड़कियों को मत छेड़ो, ये बाज नहीं आए। कुरान की बात अभी तुम सोचो ना कि हमने इनको मना की थी। हाँ, कज़ालिक नबलूहुम, ये हमारी आजमाइश थी इन अहल किताब के ऊपर कि लड़कियों को उनके छुट्टी के दिन सैर व तफरी के लिए करीब न जाओ, उनके उनको छेड़ो मत, ये हमारी आजमाइश थी। आजमाइश तो ये थी, शिकार से खुदा क्यों रुकेगा? मछली है खाने के लिए, मछली है सालन पकाने के लिए, खुदा उसे क्यों रुकेगा? तो ये मछली अपने माना में किनाए के लिहाज से वो लड़के हैं जो तफरी के लिए छुट्टी के दिन, इतवार तो हम कहते हैं, वो यहूदी यौम सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं, उस हॉलीडे को आती थी समुद्र के किनारे के दरिया के किनारे पिकनिक मनाने, तो ये बाज नहीं आते थे उनको पकड़ने से, उनको छेड़ने से बाज नहीं आते थे, इसलिए अल्लाह उनकी शिकायत कर रहा है। वरना सब्त की माना जो है आराम तो ज़रूर है, लेकिन आराम छुट्टी के दिन ही हुआ करता है। तो छुट्टी के दिन मछलियाँ आती थी, ये माना जचती नहीं है, दुरुस्त नहीं है, गलत है ये माना। हितान की मुहावरे वाली माना है। मुहावरे में भी अल्लाह ने फरमाया कि फवरब समाए वाला अर्ज़ इन्नहुल हक्कुन मिसल मा अन्नकुम तंतकून, अल्लाह ताला की कसम है जो आसमानों और ज़मीनों का पालने वाला है, इन्नहुल हक्कुन, मेरी ये किताब हक है, मिसल मा अन्नकुम तंतकून, जिस तरह तुम अपने मुहावरों के सच सच बात कर जाते हो। मुहावरे में क्या डरते हो? अब डरने की माना मैं करूं, हम सिंधी में कहते हैं रोड, रोडा यानी सर मुंडाया हुआ, और जो सर के बीच में बाल छोड़े जाते हैं उसको चग कहते हैं, उसको मोडा कहा जाता है। तो एक दौर था, बड़ी पीरों की चलती थी, तो कहते थे बाज लोग कि दरिया के दाएं पासे के लोगों ने लूटा है रोडों को, खानकाहों ने, दरगाहों ने, पीरों ने लूटा है रोडों को, और दरिया के बाएं पासे लूटा है लोगों को, मूडों को पीरों ने। तो मूड कलंदर की रखते थे, इसको चग कहा जाता है, एक जगह बाल बाकी सारा सर मुंडा हुआ, और रोड सर मुंडाते थे मुल्तान के पीर के लिए, कलंदर के ये होता दरिया के उस तरफ है, मुल्तान का जो पीर है उसके मुरीद सर मुंडाते हैं उसके हाजिरी के पर। तो लोगों को इस तरफ वाले पीर ने लौटा है जो सर मुंडाने वाले हैं मुल्तान में, जो है गौस बहालक, उन्होंने उनकी गादी ने लोगों को लौटा है जो सर मुंडाते हैं, कलंदर की गादी ने लौटा है उन लोगों को जो इधर चग रखते हैं। तो रोडे और मोडे को, ये रोडे और मोडे हमने मुहावरे में मशहूर किया था सिंधियों ने, कि इनके सर जो है मुंडाते हैं इधर मुल्तान वाले पीर के पास, और चग कहते हैं इस मुर्शिद पर जाएंगे तो ये काटेंगे चग, तो ये नज़र न्याज देते थे। तो जो खुद को लुटाते थे पीरों के सामने, तो पीरों का डायरेक्ट नाम नहीं लेते थे, कहा कि दरिया के इस तरफ वाले ने रोडों को लूटा है, इस तरफ वाले पीर ने मोडों को लूटा है। तो ये मुहावरा है, ये यानी अटकल से बात करो भी सही, और शिकायत हो जाए तो फिर नाम लेने से पकड़े न जाओ। तो इसी तरह कुरान कई बातें तुमको समझाता है, और जो हीतान मछली को लड़कियों का नाम लेकर रखा, ये मुनासबत थी लेकिन तालीम थी यहूदियों को कि तुम शिकार न करो, तुम उस दिन ना आओ दरिया पर, उनको बारी दो, उनको घूमने दो, उनको सैर करने दो, उनके साथ ज़्यादती न करो।